है खिलौना पार्ट टू। तो इनको हम जोड़ के चश्मा बनाएंगे। तो इसका नहीं बन पा रहा, अभी दिखा दूंगी। तो हम बनाते हैं सर्कल का। ये देखो चल गया। तो हमने इन दोनों के लिए ले लिया है ये छोटा सा पेचकस। तो इन्हें को इसके साथ जोड़ते हैं। ये ना बहुत टाइट है, इसको ना बहुत दबाना पड़ता है। तो अब मोबाइल सेट हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ चश्मा। तो चश्मे की इधर वाली साइड लग गई है। तो दो ग्रीन मिल चुके हैं, दो छोटे छोटे ग्रीन। तो हम लगाएंगे इधर, नहीं बल्कि ना हम छोटा वाला लेते हैं ताकि ना हमारी आँख पे ना ज्यादा बड़ा ना लगे। इतने दिखता नहीं है ना। ये जो मेरा हाथ हिल रहा है ना, टिक नहीं रहा, स्लिप हो रहे हैं इस मेरे हाथ से ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो ये इसके साथ लग चुका था मगर उतर गया वापस। तो मेरा कैमरा गिर चुका है जोर लगाने के चक्कर में। तो हाँ ऐसे ठीक है। तो ये हमारा आधा चश्मा रेडी हो चुका है। तो ये मैंने दो ढूंढ लिए हैं, एक एक दो। तो ये दोनों हम लगाएंगे। ये ना टूट जाते हैं जब से घर में आया ना, इसके ना तीन चार वो टूट चुकी है स्टिक्स। ये इतने टाइट है ना, इसको इतनी जोर से दबाती हूँ फिर भी ये नहीं होते। फिर भी ज्यादा जोर से दबाने पे थोड़े हो जाते हैं। तो इतनी छोटी सी स्टिक तो हमारे कान पे आने नहीं वाली। तो हम इस पे ना और स्टिक लगाएंगे। पर्पल सिर्फ लास्ट ये बची है। पर्पल किससे खाने है? लास्ट स्टिक बची है। अगर ये नहीं हुआ तो हमें दूसरी कलर की स्टिक लगानी पड़ेगी। मेरे तो जोर से लगी है यहाँ पे।
ये क्या है गुरुजी, जो दिल कर रहे हैं ना ले आ यार, दिमाग में गार्लिक सॉस है थोड़ा सा, प्लीज प्लीज आप गार्लिक सॉस है ना, कहीं चक्कर नहीं है ये ना। कलर तो वो नहीं लाई थी अबे, कलर का वो जो मसाला था थैंक गॉड, शुक्र है कि ये लग गया बस। पहले उबाले थे गरम से, तो हमारा चश्मा आधा रेडी हो चुका है, बस इसके इधर इधर स्टिक लगानी है। कौन तो मेरे फ्रेंड्स, ये मेरा ऐसा लग रहा है, लगा ही नहीं पूरे पीछे कानों पे ही नहीं जा रहा, तो हमें ना दूसरे स्टिक लगानी होगी। तब तक के मेरा खाना आ चुका है। मम्मा ये आलू शक्कर का वो है, तो ना मेरा दिल कर रहा था आलू खाने का तो मैं ना आलू खा रही हूँ अब। मैं अपनी मम्मा से बनवाया था, तो ये रहे टेस्टी आलू, और ये रहा है इसके साथ मैं खा रही हूँ कनौर का है चिली गार्लिक सॉस। तो इसके लिए प्लेट नहीं है कोई, तो मैं प्लेट लेके आती हूँ जल्दी से भागती हूँ। मेरी चप्पल फ्रेश ठंडा हो रहा है। ये मुझसे उतरती नहीं है, मेरा हाथ ना इतने ऊपर जाता नहीं है, मगर उतर गई अभी। तो उसको लेके हम भागते हैं। बाबा ये क्या होता है, ये क्या होता है नहीं पता। तो हमें एक आलू ले लेते हैं और थोड़ा सा केचप डाल लेते हैं। मेरे बाबा अभी केचप डाल रहे हैं अपनी प्लेट में, फिर मैं अपनी प्लेट में भी डालूंगी। आप अपना डाल लें, हमारे लिए भी डालो। हाँ, एक ही में से खा लेंगे तो मेरे बाबा ने खाया, मैं खाती हूँ, थोड़ा सा लगाए। काफी टेस्टी है। तो आप भी घर में जरूर ट्राई करिएगा। बस आलू को बॉईल करना है और खाना है केचप के साथ, केचप के साथ या मसाले के साथ, किसी के भी साथ। ये गार्लिक सॉस है, ये सॉस अच्छा है। मुझे होता है तो ये चिली गार्लिक सॉस आप ट्राई करिएगा इसके साथ। मुझे बहुत है, आप ज्यादा लगा रहे हैं। मैंने नन्ना से लगाया। एक वो होता है ना शंग्रीला, वो अच्छा नहीं। ये सही है,
तो ना है ना बहुत स्पाइसी है। तो मेरी मम्मा कह रही थी, मेरे बाबा ने कहा ना कि बहुत स्पाइसी सॉस है, तो मेरी मम्मा ने कहा कि आप ज़्यादा खा रहे होंगे इसलिए लग रहा होगा। मैंने कहा नहीं, मैं भी कम खा रही हूँ मगर मुझे ज़्यादा लग रही है। तो ना इसका ना छिलका उतर रहा है, मैंने सोचा उतार लेती हूँ। तो बिल्कुल येलो येलो हो चुका है इसको, अब हम मजे लेके खाते हैं। आप जरूर ट्राई करिएगा। ऐसे कर लो टांग। और डाल दूं मैं? नहीं। Try this at home. Mm-hmm. Very spicy and tasty. तो मेरा अभी तक पैदा आलू ही चल रहा है। तो मेरी ना सीसी निकल चुकी है, बहुत मिर्चे हैं। हाँ ये थोड़ा ना लिक्विड टाइप होता है। तो मैंने ना ले दूसरा वाला आलू उठा लिया, तो इसका अब मैं छिलका उतार रही हूँ। अरे यार प्यास लगी बहुत, इतनी मिर्ची खा ली। केचप बड़ा जोर से है। केचप नहीं है ये सॉस है। मेरे हाथ पे चुपक चुपा था क्या कहते हैं छिलका, छिलका और चिपक चुका था मेरे हाथ पे, तो हट नहीं रहा था, मैंने हटा लिया है। और अभी मैंने दूसरे आलू की पहली बाइट ली है। मम्मा दांत तोड़ दिए। किसने? दांत तोड़ दिया है। हाँ। ये थोड़ा थोड़ा ना केचप सॉर भी है, मतलब कि खट्टा। अरे मुझे पता है ना, अभी सामान डील कार्ड से मंगाया था। नहीं वो वहां खड़े लिया बोल रहे थे कि ले लो, मैंने बोला हां ले लो, जो वहां खड़े थे वो क्या था? केचप था। अच्छा अच्छा
मैंने बनाया जाके 7 बजे, वो सुबह का चीकू जो डला हुआ था, 7 बजे बनाया चीकू, वो जो सुबह का डला हुआ था शाम में फिर पिया फिर लग तो सही रहा था, लेकिन मैं आपको देती हूँ ना नखरे के लिए, मैंने पी लो चुप कर दिया। कोई टेस्ट खराब नहीं होता क्योंकि सही मौसम है। तो हमारा आलू भी एंड होने वाला है। तो आलू सारे खत्म हो चुके हैं। वाटरमेलन मेरी आइसी भी, वाटरमेलन की आइसी होती है। तो अब हम ये सारे प्लेटें रख के भी आते हैं, रख के भी आने पड़ेंगे ना भाई। तो ये ना ढेर सारे बर्तन अभी खाए हैं हमने खाना, तो ये मम्मा धोएंगी बर्तन अभी सारे। तो ये हमारे खिलौने फैले पड़े, हम समेटेंगे। तो आप ये वाला केचप जरूर खरीदिएगा, बहुत मजे का है। तो ये इधर मेरी ट्रॉफी रखी है और मेरा मेडल भी होगा यहीं कहीं अंदर रखा होगा। ये मेरी ना और मेरे बाबा की ना सारी फाइल्स, स्कूल की फाइल्स और मेरे बाबा की ऑफिस की फाइल्स रखी हैं। ये नमक का डब्बा है, तो इसको यूं करते हैं, यहाँ से यूं लगाते हैं, ये खुल जाते हैं। तो ये ना इधर हमारे पूरा सेट हुआ है, तो इधर रखती हूँ मैं ये। तो ऊपर मसाले हैं, इधर चीनी वगैरह है, चीनी नमक और इसका नहीं खत्म है, ऊपर बाकी सारे मसाले हैं। तो सामान खत्म हो चुका है, बस प्लास्टिक है जो मामा। तो इस चश्मे को हमने बड़ा करना था, ये चश्मा था जो शुरू में दिखाया था या मैंने दूसरी वीडियो में दिखाया था। तो इधर से कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा ना मोबाइल स्टैंड जो है ना मतलब कि टिक नहीं रहा, तो इसको टिका रही हूँ मैं। तो हम लगाने वाले हैं अब येलो स्टिक। तो आप तो आलू खाए, अब तो जाम आ गई होगी।
देखते हैं आइए कि जल जाएगा तो जान आ गई होगी। तो डल तो चुका है, थैंक गॉड, शुक्र है अल्लाह का। तो मैम रहती हूँ वैसे पाकिस्तान कराची में, और हाँ पाकिस्तान कराची में रहती हूँ, और मैं सुसाइड वगैरह नहीं बता सकती ठीक है मेरे बस मैं नहीं बता सकती। बस मैं ये बता सकती हूँ कि मैं पाकिस्तान कराची में रहती हूँ, पाकिस्तान में एक शहर है कराची, उधर रहती हूँ, बस मैं ये बता सकती हूँ। मेरे तो बहुत जोर से लगी, देखने लाल हो रहा है। शुक्र टूटा नहीं, थैंक गॉड, शुक्र है अल्लाह का कि टूटा नहीं। तो इसको बड़ा करते हैं हम, अभी और लंबा करते हैं, नून लगाते हैं इसके, ऑरेंज वाला एक और चाहिए जो मिल गया है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मेरा नाम मरीशा है, वरीशा WARISHA वरीशा है, और मैं 10 साल की हूँ। मेरा पूरा नाम है सैयदा वरीशा नकवी। बस इतना ही करते हैं हम अपने चश्मे को, तो ये बन गया है हमारा चश्मा, तो इसको अपने आप पर लगा के देखते हैं। ओह इस सेट सक्सेसफुल, बाबा जी